नमस्कार दोस्तों, रीड आईएस के मूल अधिकार के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने एक विषय चुना है, आर्टिकल 21 से वह संबंधित है और वह है गोपनीयता का अधिकार। सबसे पहले ये जानें कि अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। यह उल्लेखनीय है कि यह जो अनुच्छेद है यह पूर्णतः परिभाषित नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे धीरे धीरे परिभाषित किया है। सबसे पहले मेनका गांधी याचिका के बाद धीरे धीरे यह मैग्निफाई होता रहा और सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक में कई और याचिकाओं पर इसको काफ़ी विस्तारित कर दिया है, जिसमें नींद लेने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ जलापूर्ति का अधिकार, ये सब कुछ शामिल है। अर्थात जो भी जीवन से संबंधित है वह सब इसमें शामिल कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले पिछले साल अर्थात 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संदर्भ में यह कहा है कि गोपनीयता का अधिकार भी आर्टिकल 21 से संबंधित है और वह जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो इसके लिए पहले भी बातचीत चली थी, जब से टेलीकॉम कंपनियां बहुत ज़्यादा यहाँ आईं और लगातार फ़ोन पे कॉमर्शियल कॉलिंग होने लगी, उस समय भी लोगों की गोपनीयता का मुद्दा उठा था। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वह जाकर के एक याचिका अपने तरफ से किसी नागरिक के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसके बाद पुनः ये मामला अभी आया, वो आधार योजना को लेकर के आया। अभी जैसा कि आप जानते हैं, नंदन नीलकानी के निर्देशन में सरकार जो है नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए आधार स्कीम चला रही है, ताकि हम सभी अपने नागरिकों को पहचान सकें और बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए यूनिफाइड मेथड से आइडेंटिफिकेशन हो सके। आधार योजना का कई फायदा है, इसके बावजूद भी इसमें कुछ गोपनीयता का मैटर भी आया है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैनिंग, ये सब चले जाते हैं और कोर्ट का ये मानना है कि जाने अनजाने में किसी व्यक्ति की ये पर्सनल अंगों से संबंधित जो तथ्य एवं आंकड़े हैं यह किसी को ना दी जाए, यह एक तरह से गोपनीयता का उल्लंघन है। तो अब ये मुद्दा उठता है कि क्या अब आधार योजना को बंद कर देना चाहिए? यदि विद्यार्थियों से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय को देखते हुए क्या आप ऐसा मानते हैं कि आधार योजना को अब बंद कर देने की आवश्यकता है, तो एक विद्यार्थी का क्या नज़रिया उस पर होना चाहिए? आप यद्यपि इन दोनों मुद्दों को समानता से उठाएं कि गोपनीयता का अधिकार भी है और आधार योजना भी ज़रूरी है, आधार के बहुत सारे फायदे हैं। अकाउंट से लिंक होने से डायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट जाने शुरू हो गए हैं। पहले खोया पाया लिस्ट रहता था, कोई बच्चे खो जाते थे तो मिलते नहीं थे। आजकल भीड़ भाड़ में, कभी भी कुंभ जैसे मेलों में अगर कोई खो जाए, पुलिस के हाथ कोई मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट से हम उसके एड्रेस जान सकते हैं, पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो आधार के बहुत फायदे हैं जो धीरे धीरे जीवन में समझ में आ रहे हैं। तो इसे बंद तो किया जाना अच्छा नहीं है, किंतु सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर किया जाना ज़रूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक स्कीम्स के बारे में चर्चा करें जो मनमोहन सिंह की सरकार ने ही शुरू किया था, वो 2012 में। वह था इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, है ना? तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए कानून बना था 2012 में। उसमें डाटा शेयर करने के लिए तीन लेयर बनाया गया था। एक तो पहला, ऐसे आंकड़े जो मतलब जिससे कोई नुकसान नहीं है वहाँ तक फ्री एक्सेस होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये जान जाता है कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन कितना हुआ है तो इससे क्या नुकसान है? अगर कोई टेररिस्ट आउटफिट्स भी ये जान जाए तो कोई नुकसानदेह नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐसा रखें जो ओपन एक्सेस तक रहे। जैसे कोई व्यक्ति के लेवल पर देखें तो कोई व्यक्ति कितना फिलेंथ्रोपिक है, समाज का कितना कल्याण करना चाहता है, ये बात अगर कोई जान ही जाता है तो क्या इससे फर्क पड़ता है? फिर दूसरा, इसमें रजिस्टर्ड एक्सेस रखें, पंजीकृत पहुंच इसमें बनाएं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक खाते और बाकी जो जानकारियां हैं ऐसे, वो जानकारी ऑथराइज पर्सन को दी जाए। किसी हस्बैंड की जानकारी वाइफ के लिए, वाइफ की जानकारी हस्बैंड के लिए, फैमिली मेम्बर्स, क्लोजली एसोसिएटेड्स या जो उनके लीगल हायर्स हैं वहाँ तक जानकारी जाए। और उसके लिए SMS अलर्ट, OTP और ईमेल वगैरह ये सब वेरीफाई करके जानकारियाँ दी जा सकती हैं। तो रजिस्टर्ड एक्सेस ऐसा करें।
और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो लिमिटेड एक्सेस हो, कुछ जो जिससे देश को नुकसान हो या सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, ऐसे चीज़ों के लिए बहुत ही हमें कठोरता से और बहुत संवेदनशीलता से उस पर एक तरह से निर्बंधन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश हित में कुछ जानकारी गोपनीय भी रखनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि सूचना के अधिकार कानून में जितने सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुलिसिंग के ऑर्गेनाइजेशन, उनको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड एक्सेस तक बनाएं जो स्टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें जो स्टेट एक्टर हैं, जो स्टेट की एजेंसियां हैं और जांच की जो एजेंसियां हैं, वहीं उन्हीं का पहुंच वहां तक रहे। अगर इस तरीके से हम कैटेगराइज करें और ऐसी एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी हम ठीक से क्रियान्वित कर ले गए तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसी ही नीति बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स और स्कैंडिनेवियन कंट्री में नेशनल आइडेंटिटी को बनाया गया है। हाल फिलहाल में बहरीन और सिंगापुर, जिन्होंने मोबाइल गवर्नेंस को बहुत ही अच्छा बनाया, वो भी इस तरह की नीतियों पर चल रहे हैं। तो हमें इस तरह से अपनी बातों को यहाँ कहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग फिर किसी विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।